ज्ञानवापी के बाद धार की भोजशाला का मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है और इसी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भोजशाला के गर्भगृह द्वार खिड़कियों शिलालेखों और स्तंभों पर मौजूद मूर्तियों को संरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने भोजशाला में 11 जगहों को इन्हें संरक्षित करने का काम किया। पूरे मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षक सहायक प्रशांत पाटनकर ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन फोन पर बताया कि ये रूटीन प्रक्रिया है। अब हम चाहते हैं जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पूर्ण निष्कंटक रूप से अबाध रूप से जो है स्वतंत्र हो गई, प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए, ज्ञान वापी भगवान विश्वनाथ जो जगत के पूरे जगत के ही विश्वनाथ जीव मात्र की आत्मा है, उनका भी निर्णय आ चुका है लगभग, इसी प्रकार हमारी भोजशाला का आना चाहिए। आना चाहिए कि आएगा ही, इसलिए आएगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो मानव रूप में नहीं है, भगवान का स्वरूप है। MP में BJP का मेगा चुनावी प्लान, अगले सप्ताह दिग्गज नेताओं का होगा जमावड़ा। विधानसभा की राजनीति पर आगे बढ़ेगी BJP। अगले हफ्ते से शुरू होगी क्लस्टर की बैठक, जहां क्लस्टर की बैठक में आएंगे BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा, UP के CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य आएंगे मध्य प्रदेश, जहां ग्वालियर क्लस्टर की बैठक में 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा के लिए BJP का मेगा प्लान जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। जी रीनू, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में BJP ने एक बड़ी मेगा प्लान पर काम किया था, उसी तरह लोकसभा के लिए रचना बनाई गई है और इस तरह का प्लान किया गया है कि जो 7 क्लस्टर्स बनाए लोकसभा के, उन सभी क्लस्टर्स की जो बैठक होगी उसमें देश के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, भाजपा शासित राज्यों के CM मौजूद रहेंगे, तो उसकी जो प्लानिंग है उसमें जो यूपी के CM आदित्यनाथ योगी वो उपस्थित रहेंगे, राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा पहली बार मध्यप्रदेश में बैठक लेने के लिए आएंगे, इसके अलावा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य आएंगे, उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी का भी आने का संभावना है। तो इस तरीके से सभी बड़े जो नेता हैं वो क्लस्टर्स की बैठक में शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो 25 फरवरी को आ रहे हैं, सबसे बड़ी बैठक वो ग्वालियर की संभाग की लेने वाले हैं। उसके अलावा 7 क्लस्टर की अलग अलग बैठक होगी और उन सभी बैठकों में बड़े नेता मौजूद रहेंगे और रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से MP में जो 29 लोकसभा सीटें सभी सीटों को जीता जा सके, और इसी को लेकर BJP में बड़ी बैठकों का दौर भी चल रहा है। एक को PM खुद नरेंद्र मोदी वर्चुअली बड़े इंदौर में बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं, तो एक बड़ी मेगा प्लान BJP ने बनाया हुआ है और उस पर अब BJP ने रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो एक रणनीति के तहत काम भी शुरू हो चुका है। 25 फरवरी का दिन बेहद ही खास, जहां BJP के मेगा प्लान के लोकसभा की जो तमाम सीटें हैं जीतने के लिए मेगा प्लान की शुरुआत होगी और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश में कई बड़ी हस्तियां आपको नजर आएंगी। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।